मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम काबीना अराकीन के हमरा जनूबी कोरिया पहुंच गए। अहम इक्तिसादी शोबों में कारोबारी और सनत के सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ट्रूडो कोरिया की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे। अप्रैल में महंगाई की शरह में गैर मुतवक्के तौर पर इजाफा, 4.4% तक इजाफा रिकॉर्ड। अप्रैल तक ग्रोसरी की कीमतों में साल में 9.1% इजाफा रिकॉर्ड। अशय खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतें शहरियों के लिए बड़ा मसला। कनाडा में फलस्तीन के हामी ग्रुप का यौम नकबा को तस्लीम करने का मुतालबा। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में यौम नकबा की मुनासबत से रैली का इनेकाद। सैकड़ों फलस्तीनियों, अरब शहरियों और कैनेडियन यकजहती के कारकुनों की शिरकत। मौलवी अब्दुल कबीर अफगानिस्तान के नए वजीर आजम मुकर्रर। मौलवी अब्दुल कबीर इससे कबल नायब वजीर आजम बराए सियासी उमूर थे। मौला मोहम्मद हसन को खराबी सेहत के बायस अहदे से हटाया गया है। प्यूतिन और जेलेंस्की अमन मुहिदे के लिए अफ्रीकी रहनुमाओं से मुलाकात पर आमादा। प्यूतिन और जेलेंस्की अफ्रीकी रहनुमाओं से मिलकर जंग के खात्मे पर बात करेंगे। अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल को अमन मुहिदे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनकी काबीना के दो आला वजा इक्तिसादी इंश्योरेंस पॉलिसी पर पेशरफ्त की उम्मीद में जनूबी कोरिया के शहर सियोल पहुंच गए हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनकी काबीना के दो आला वजा इक्तिसादी इंश्योरेंस पॉलिसी पर पेशरफ्त की उम्मीद में जनूबी कोरिया के शहर सियोल में पहुँच गए हैं। ये दो तरफा दौरा जनूबी कोरिया के सदर यौन सिक योल की हुकूमत के साथ इक्तिसादी सलामती समेत दीगर उमूर पर आला सतही मुज़ाकरात का आगाज़ है। दोनों मुमालिक ने अपनी इंडो पैसिफिक हिकमत अमली जारी की हुई है। वो चीन के असर व रसूख का मुकाबला करने के लिए खित्ते में फौजी और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए रोड मैप फराहम करते हैं। खारजा उमूर की वजीर मिलानी जूली और इनोवेशन मिनिस्टर फ्रांसवा शैम्पियन फ्लिप अपने कोरियाई हम मनसबों के साथ आला सतही बातचीत करेंगे। ट्रूडो और शैम्पियन दोनों अहम इक्तिसादी शोबों में कारोबारी और सनत के सरकर्दा रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। जनूबी कोरिया दरामदात और बरामदात दोनों के लिए कनाडा का सातवां सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, जिसकी 2021 में तिजारत में 16.7 बिलियन डॉलर है। तवक्को है कि ट्रूडो मुल्क की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे। वो सियोल के कौमी कब्रिस्तान का भी दौरा करेंगे और केपेविंग की जंग के दौरान कैनेडियन फौजियों की कुर्बानियों के एजाज में यादगारी ट्रेल के इफ्तिताह में शिरकत करेंगे। साफ मईशत और मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ दोनों मुमालिक के दरमियान नौजवानों की नकलो हरकत के प्रोग्राम का क्याम सफर की तरजीहात में शामिल है। लिबरल हुकूमत की तवज्जो जनूबी कोरिया और जापान दोनों के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार करने पर मरकूज है, क्योंकि वो रूस के बढ़ते हुए खतरे और चीन के साथ तनाव के दरमियान अपने इत्तेहाद को रिवायती मगरबी शराकत दारों से आगे बढ़ाना चाहती है। कनाडा की अफराते जर की शरह ने गुज़िश्ता माह अपने कमी के रुझान को तब्दील कर दिया और 4.4% सालाना की शरह से बुलंद हो गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की अफराते जर की शरह ने गुज़िश्ता माह अपने ठंडक के रुझान को तब्दील कर दिया और 4.4%
सालाना की शरह से बुलंद हो गई। माहिरीन इक्तिसादियात शुमारियात कनाडा के जरिए जारी करदा नए आदाद शुमार की तवक्को कर रहे थे ताकि ये जाहिर किया जा सके कि जिंदगी की लागत मार्च की 4.3% रफ्तार से कम होकर 4.1% के आसपास हो गई है। इसके बजाय ये एक बार फिर ऊपर चला गया क्योंकि माह के दौरान पेट्रोल किराया और रहन जैसी चीजों की कीमत में इजाफा हुआ। ये जून 2022 के बाद जिंदगी की लागत में पहली तेजी है जब कनाडा की अफराते जर की शरह 8.1% की 40 साल से ज्यादा की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खाने की कीमतें कैनेडियन खानदानों के लिए परेशानी का एक बड़ा जरिया रही हैं और जबकि मजमूई लागतें उनकी हालिया रिकॉर्ड बुलंदियों से नीचे आ गई हैं। अप्रैल तक ग्रोसरी की कीमतों में साल में 9.1% इजाफा हुआ है। ये मार्च की 9.7% की रफ्तार से कम है लेकिन फिर भी मजमूई अफराते जर की शरह से 2 गुना ज्यादा है। पेट्रोल की कीमतें जो 2022 के अवाइल में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बढ़ी थीं, एक साल पहले की बुलंदियों से कम हो गई हैं लेकिन महाना बुनियादों पर एक बार फिर बुलंद हो रही हैं। मुतादित वकालत ग्रुपों के नुमाइंदों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 15 मई को यौम नकबा के तौर पर तस्लीम करें। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में फलस्तीन के हामी ग्रुप वैम नकबा को तस्लीम करने का मुतालबा कर रहे हैं। ओटावा में पार्लियामेंट हिल पर एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में मुतादित वकालत ग्रुपों के नुमाइंदों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 15 मई को यौम नकबा के तौर पर तस्लीम करे जो कि इसराइल के क्याम के दौरान 1948 में बड़े पैमाने पर बेघर होने वाले फलस्तीनियों की सालाना यादगार है। मुकर्ररीन कनाडा से भी मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसराइल पर जोर दे कि वो फलस्तीनी कैदी अहमद मंसरा को रिहा करे जिसे 2015 से हिरासत में रखा गया था जब वो 13 साल का था। कनाडा के सूबे क्यूबेक के शहर मॉन्ट्रियल में फलस्तीनी आवाम के नकबा की 75वीं सालगिरह की याद में इसराइली के जारी रहने की मजम्मत करते हुए एक जबरदस्त जुलूस निकाला गया जिसमें सैकड़ों फलस्तीनियों अरब शहरियों और कैनेडियन यकजहती के कारकुनों ने शिरकत की और उन्होंने काबिज रियासत के बायकॉट का मुतालबा किया। मार्च का आगाज मॉन्ट्रियल में मकामी मंदुबीन की तकारीर से हुआ जिसमें उन्होंने फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म सितम पर बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह 16वीं सदी से यूरोपीय नौ आबादकारों के हाथों कनाडा के आवाम के साथ जालमाना सलूक किया गया इस तरह फलस्तीनी कौम को निशाना बनाया गया। जुलूस में फलस्तीनी और कनाडा के तलबा के नौजवानों के ग्रुपों बाएं बाजू की तहरीकों सहयूनियत मुखालिफ यहूदी वाइस बराए अमन ग्रुप और मकामी ग्रुपों के अलावा कॉन्कॉर्डिया और मेगोयल यूनिवर्सिटियों में फलस्तीनी आवाम के हकूक की हिमायत करने वाले तलबा ग्रुप्स ने भी शिरकत की। तहरीक तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अखवंदजादा ने मौलवी अब्दुल कबीर को अफगानिस्तान का नया वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अखवंदजादा ने मौलवी अब्दुल कबीर को अफगानिस्तान का नया वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। मौलवी अब्दुल कबीर उससे कबल नायब वजीर आजम बराए सियासी उमूर थे। अरब मीडिया के मुताबिक नायब वजीर आजम बराए सियासी उमूर मौलवी अब्दुल कबीर मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद की जगह वजारत अज़मा का मनसब संभालेंगे। नेशनल इंफॉर्मेशन एंड मीडिया सेंटर के सरबराह इनामुल्लाह समनगानी को कंधार में सकाफत और इत्तिलात का सरबराह भी मुकर्रर किया है। ज़राए का कहना है कि मुल्ला मोहम्मद हसन को खराबी सेहत के बायस ओहदे से हटाया गया। गुज़िश्ता अप्रैल में तहरीक के सरकारी तर्जुमानों और मीडिया अहलकारों को काबुल से जनूबी अफगानिस्तान के शहर कंधार मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया था। अफगान तालिबान कमांडर मुल्ला हैबतुल्ला अखवंदजादा ने नेशनल इंफॉर्मेशन एंड मीडिया सेंटर के सरबराह इनामुल्लाह समनगानी को भी कंधार में सकाफत और इत्तिलात का सरबराह मुकर्रर किया है। मुबस्सरीन का मानना है कि इस तरह के फैसले हुकूमत पेस के कंट्रोल को सख्त करने मीडिया पर कंट्रोल को आसान बनाने और तहरीक के सरबराह के अहदों का ऐलान आसान तरीके से करने के साथ साथ अफगान मीडिया को मुनज़्ज़म करने के नए इकदाम की नुमाइंदगी करते हैं। वाज़ेह रहे कि तालिबान क़यादत की जानिब से ये फ़ैसला भी एक ऐसे वक्त में किया गया है जबकि तालिबान की सफ़े अव्वल की क़यादत और सिराजुद्दीन हक्कानी के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा का कहना है कि व्लादिमिर पुतिन और व्लादिमिर ज़ेलेंस्की ने इब्तदाई अमन मुहिदे के लिए अफ्रीकी रहनुमाओं से मुलाकात पर आमादगी ज़ाहिर की है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा का कहना है कि व्लादिमिर पुतिन और व्लादिमिर ज़ेलेंस्की ने इब्तदाई अमन मुहिदे के लिए अफ्रीकी रहनुमाओं से मुलाकात पर आमादगी जाहिर की है। जाम्बिया सेनेगाल कांगो युगंडा और मिस्र के रहनुमा यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए जनूबी अफ्रीका के साथ मिलकर अमन मिशन का वफ्द तश्कील देंगे।
جنوبی افریقہ کے صدر نے کیپ ٹاؤن میں سنگاپور کے وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس بریفنگ میں کہا کہ روس اور یوکرین کے سربراہان افریقی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ پیوتن اور زیلنسکی افریقی رہنماؤں سے مل کر جنگ کے خاتمے پر بات کریں گے۔ صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری بات چیت کا بنیادی مقصد یوکرین میں تباہ کن تنازع کا پرامن حل تلاش کرنا ہے، اور اس کے لیے زامبیا، سینیگال، کانگو، یوگنڈا اور مصر کے حکمران جنوبی افریقہ کے ساتھ مل کر مشترکہ وفد تشکیل دیں گے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اس معاہدے کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ یوکرین نے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا کہ روس کے تمام فوجی دستے اس کے علاقوں سے نکل جائیں۔ جنوبی افریقی صدر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پیوتن اور زیلنسکی نے افریقی وفد سے اپنے ممالک کے دارالحکومتوں میں ملاقات پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سرل راموفوسا نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو امن معاہدے سے متعلق بریفنگ دے دی گئی ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔